दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैप्चा कोड्स को स्किप कर सकते हैं। जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो आपने कैप्चा कोड्स को तो ज़रूर देखा होगा, आपको उन्हें सॉल्व करके ही नेक्स्ट पेज पर ब्राउज़ करने के लिए मिलता है, या फिर आप कुछ डाउनलोड करते हैं उस टाइम आपको कैप्चा कोड भरना पड़ता है। तो जब आप कैप्चा कोड भरते हैं तो आपका उसे सॉल्व करने में बहुत सा टाइम वेस्ट होता है, इसके लिए आप उसे स्किप कर सकते हैं। आज मैं इसी ट्रिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उसे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ये वेबसाइट खोली है, यहाँ पर मुझे कैप्चा कोड भरना पड़ेगा तभी मैं नेक्स्ट पेज पर जा सकता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ और उसके बाद जाकर कैप्चा कोड एक्सेप्ट हुआ। तो चलिए इसे इजी बनाएं और आज की ट्रिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऐप्स में जाना है और उसके बाद वेब स्टोर में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है एंटी कैप्चा और उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा एंटी कैप्चा ऑटोमेटिक कैप्चा सॉल्वर। इसे आपको नॉर्मली इंस्टॉल करना है और आप ऊपर देख सकते हैं एंटी कैप्चा ऑटोमेटिक कैप्चा सॉल्वर एक्सटेंशन आपकी सेव हो चुकी है और आपको 5 ट्राइज मिलती हैं इसे सॉल्व करने की। अब हम उसी वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे और कुछ गलत कैप्चा कोड भरेंगे और कुछ टाइम बाद आप देख सकते हैं कि ये सॉल्व हो चुका है और हम जल्दी से अपने नेक्स्ट पेज पर पहुँच चुके हैं। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको मैं बता दूं कि आपको स्टार्टिंग में 5 सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, वो ट्राइज होती हैं, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा या रजिस्टर करने पड़ेगा इस साइट पर। तो इसके लिए आपको उस साइट पर जाना है और यहाँ पर रजिस्टर करना है अपना यूज़र नेम और उसके बाद नीचे अपनी ईमेल आईडी भरनी है। यूज़र नेम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम या फिर अपने नाम के आगे कुछ डिजिट्स लगाकर। अगर आप दूसरी बार यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन सेक्शन में जाकर अपनी ईमेल आईडी या यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है। रिकवर करना है तो आप यहाँ पर रिकवर भी कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और देखना मत भूलिएगा मेरी अगली वीडियोज़। जय हिंद, वंदे मातरम।